और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम, चीफ जस्टिस चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास भी जारी है। इजराए के मुताबिक मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक हैं और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला भी चीफ जस्टिस चेंबर में मौजूद हैं। मुशावरत के बाद अज खुद नोटिस लेने या ना लेने का फैसला मुतवक्के है इजराए की जानिब से, यह बताया जा रहा है। और इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम का जायजा लिया जा रहा है। तो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम, चीफ जस्टिस चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक हैं, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला भी चीफ जस्टिस चेंबर में ही मौजूद हैं। मुशावरत के बाद आज को नोटिस लेने या ना लेने का फैसला होगा, जबकि इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम का जायजा लिया जा रहा है इजराए की जानिब से, यह बताया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर यह अहम मुशावरत है जो कि इस वक्त हो रही है। चीफ जस्टिस चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। जो आज सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से यह मुशावरत इजलास हो रहा है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक हैं, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला भी चीफ जस्टिस चेंबर में मौजूद हैं। और इस मुशावरत के बाद अज खुद नोटिस लेने या ना लेने का फैसला होगा।